नमस्कार, आप देख रहे हैं अम न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। अयोध्या से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अक्षत कलश पहुंचा भागलपुर, पूरा शहर हुआ भगवामय। जय श्री राम के लगते रहे नारे। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रामलला के नव निर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगा। इस भव्य कार्यक्रम का राम भक्तों को आमंत्रित करने अक्षत कलश आज अंग क्षेत्र के भागलपुर शहर पहुंच चुका है, जिसके स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं लोगों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए शहर में अक्षत कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली। अयोध्या रामलला मंदिर से आए अक्षत कलश का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। अयोध्या से अक्षत कलश भागलपुर पहुंचते ही चारों तरफ भक्तिमय माहौल हो गया। वहीं भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में सबसे पहले अक्षत कलश की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद शोभा यात्रा ढोल नगाड़े के साथ शहर के कई चौक चौराहों तक ले जाया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और शहर के सैकड़ों लोग दर्शन के लिए मौजूद थे। मन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे राम के मंदिर का अक्षत हम सबों का आमंत्रण के रूप में आया है। उस आमंत्रण के स्वागत के लिए पूरा भागलपुर, सनातन लंबी, सबके राम, सबरी के राम, सबके राम, सबने इनका स्वागत किया है और भाव विभोर हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस राम मंदिर के आस में 592 वर्ष तक का एक सबरी का जो सब्र है उसका इंतजार किया, वो समाप्त होने जा रहा है और हम रामलला का मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों को प्रसन्नता है और पूरा भागलपुर नहीं पूरा भारत प्रसन्नता का यह जो उमंग है वो हमारे चेहरे पर, हमारे चीजों में दिख रही है और पूरा भागलपुर सराबोर है। आमंत्रण स्वीकार है और आमंत्रण को लेकर हम लोग घूम रहे हैं। जय श्री राम। घर घर अक्षत जाएगा, आमंत्रण पत्र जाएगा, भगवान राम का चित्र जाएगा और सबको रामलला ने बुलाया है। 22 के बाद पूरा भारत राम लला के भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन करे। जय श्री राम।